हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेचुरल पार्टनर। और आज मैं आप सभी के साथ जो शेयर करने वाली हूँ, जो वीडियो में बताने वाली हूँ, वो फुल बॉडी पैक है, यानी कि पूरे शरीर के लिए है। आप जहाँ भी चाहें अप्लाई कर सकते हैं। आपका हाथ, पैर, नेक, जहाँ भी ज़्यादा डार्क है वो आप वहाँ यूज कर सकते हैं। अपना फेस के में भी यूज कर सकते हैं, अपना हाथ पैर में भी यूज कर सकते हैं। बट मैं आपको आज सिर्फ हैंड में ही अप्लाई करके दिखाने वाली हूँ कि इसे किस तरह से अप्लाई किया जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है और गर्मियों में हमारे हाथ पैर में बहुत ही ज़्यादा टेनिंग प्रॉब्लम होता है, सनटैन का प्रॉब्लम हो जाता है। आप जरा सा 5 से 10 मिनट के लिए भी धूप में जाते हैं तो आपका हाथ पैर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आज मैं आपको बहुत ही ईजी सी, एक आसान सी होम रेमेडी फुल बॉडी पैक बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इस पैक को आपको बनाने में किन किन सामान की आवश्यकता पड़ने वाली है। बट मैं आपको वीडियो में जिस तरीके से बता रही हूँ उसी तरीके से आपको अप्लाई करनी है। तो इसमें आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो फर्स्ट में आपको शुगर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब एक क्लीन बाउल में हम 1 टीस्पून शुगर लेंगे, क्योंकि हम सिर्फ हैंड पे करके दिखाने वाले हैं तो आप मुझे ज़्यादा शुगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सेकंड जो है फ्रेंड्स, वो है टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी। अब इसमें हम 1/2 पिंच टर्मरिक पाउडर लेंगे, क्योंकि हल्दी जो होता है बहुत ही ज़्यादा हमारे बॉडी को येल्लो बना देती है, तो मुझे थोड़ी सी ही टर्मरिक पाउडर की ज़रूरत पड़ने वाली है। और लास्ट में जो है फ्रेंड्स, वो है बेसन। ये मसूर दाल का है और आप किसी भी बॉडी पैक, फेस पैक बनाते हैं तो उसमें मसूर दाल का ही बेसन ऐड करने का कोशिश करें। तो अब इसमें हम 1 टीस्पून मसूर दाल का बेसन ऐड करेंगे। और जो इसके बाद लास्ट में फ्रेंड्स, वो है लेमन। अब इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे, जिससे कि हमारे पेस्ट अच्छे से बन के रेडी हो जाएगी। इसमें अब हम 1/2 लेमन ऐड कर देंगे। आपको बीक में ये 2 बार करनी है। अगर आप बीक में 2 बार करते हैं फ्रेंड्स, तो आपका जो भी डार्कनेस का प्रॉब्लम है, सनटैन का प्रॉब्लम है, आपका बॉडी बहुत ही ज़्यादा, हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा धूप के कारण ब्लैक हो जाता है, तो वो रिमूव होगा और आपका हाथ पैर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड स्मूथ दिखेगा। तो इस तरीके से आपको पहले पेस्ट बनानी है। तो आपका पेस्ट जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगी। मेरा जो पेस्ट है वो अब रेडी हो गया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें हम शुगर ऐड किए हैं तो शुगर को मेल्ट होने में 5 मिनट तो लग ही जाएगा। तो हम मिलते हैं आपसे हम 5 मिनट के बाद। यहाँ पे हमारे पैक रेडी हो गए हैं। अब हम अपने बॉडी पे हैंड पे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ कि इसे किस तरह से किया जाता है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप अपना फिंगर की हेल्प से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपको कुछ अप्लाई करनी है। एक लेप की तरह आपको अपने हैंड पे, लेग पे, आपको जहाँ भी करना है नेक पे अप्लाई कर लेनी है। इस तरीके से आप पहले अच्छे से अप्लाई कर लें और उसके बाद अब इसे हम 5 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। और जो सेकेंड स्टेप है फ्रेंड्स, वो आपसे 5 मिनट के बाद। यहाँ पे हमारे 5 मिनट हो गए हैं और मेरा जो अब लास्ट स्टेप है फ्रेंड्स, जो आपका लास्ट स्टेप है वो है मसाज। इस तरीके से आपको मसाज करनी है। अब जो लेमन जूस लिए थे वही लेमन से आपको 5 मिनट के लिए मसाज करनी है। अब जहाँ भी पैक अप्लाई किए हैं वहाँ पे 5 मिनट के लिए मसाज करें। तो इस तरीके से आपको मसाज करनी है और 5 मिनट के बाद आप सिर्फ नॉर्मल वाटर से, यानी कि ठंडे पानी से अपने हैंड को अच्छे से वॉश कर लें। तो मैं अब आपको अपने हैंड को वॉश करके दिखाती हूँ कि मेरा हैंड जो है वो कितना ज़्यादा क्लीन दिख रहा है, क्योंकि मैं विटामिन सी से अपने हैंड को मसाज किए हैं। लेमन में विटामिन सी भी पाया जाता है और यह हमारे जमे हुए डस्ट, गंदगी को क्लीन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं, आपको लाइव रिजल्ट में दिखाऊंगी कि मेरा जो हैंड है वो कितना ज़्यादा क्लीन दिखेगा। बॉल में वाटर लिए हैं और वो हैंकी लिए हैं, तो हम अपने हैंड को वॉश करके आपको दिखाती हूँ कि इसे इस पैक को लगाने के बाद आपका हैंड, हाथ जो है वो कितना ज़्यादा क्लीन हो गया है। तो देख सकते हैं जो मेरा हाथ है वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन दिख रहा है, क्योंकि हम विटामिन सी से मसाज किए हैं और नींबू लगाने के बाद हमारे हाथ बहुत ही ज़्यादा साफ दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।